व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो जस्ट इन केस अगर आप लोग अभी भी डेली रूबीज कलेक्ट नहीं कर रहे हो ढेर सारे वो भी, तो इस वीडियो पूरा देखना, नहीं तो काफी वेटरन्स को तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हो पहले से मालूम होगा ही, तो फिर भी एक बार के लिए देख लो तो कुछ नुकसान नहीं होगा, क्या कुछ नया जानने के लिए मिल ही जाए आप लोगों को, ठीक है। तो इतना देखो, आप लोगों के पास अभी आधा समय बचा आप लोगों का कोलैब के लिए, ठीक। और जिस तरह से हम देख रहे हैं रेट्स बहुत लोगों के बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत लोग अभी बहुत कैरेक्टर्स पाना चाहते हैं, मगर उससे पहले एक छोटा सा अपडेट हम अपना देते हैं कि मेरे पास जिस हिसाब से कार्ड्स और कैरेक्टर्स हैं तो इसके हम कुछ प्लान आउट किए हुए हैं कि हम यहाँ पर इस बैनर को कुछ समन्स करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हम सिलेक्टर तक पहुँचने वाले हैं, अब हम इस बैनर को कार्ड के लिए समन करने वाले हैं और इसमें अब नहीं करेंगे क्योंकि सास बिकई बहू थी। नहीं, ऐसा बात नहीं है, चीज़ यह है कि मेरे को यहाँ पर सिर्फ एम बाइसन के टू कार्ड की ज़रूरत है, ठीक, सिंपल बात है। और मेरे पास ये वाला सिलेक्टर है पहले से, तो हम इसका सिलेक्टर इस्तेमाल करके यहाँ से सिर्फ एम बाइसन का कार्ड को कलेक्ट कर लेंगे, मेरे लिए ये वाला बैनर काम खत्म। अब चीज़ ये है ना, और यहाँ पर हम समन इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक सिलेक्टर पहले से है, और जस्ट इन केस अगर हमको यहाँ पर से ल्यूक का 3PG या फिर ये सेट कार्ड का पहला वाला कार्ड अभी तब भी नहीं मिलता है, तो मेरे पास दो सिलेक्टर्स हो जाएंगे जिसका इस्तेमाल करके हम सेट भी कंप्लीट कर लेंगे और ल्यूक का 3PG पा लेंगे। तो इससे क्या होगा, कार्ड के लिए मेरा कहानी खत्म, ठीक, कार्ड का बैनर मेरे लिए पूरी तरह खत्म हो जाने वाला है। और हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो चलो हम लोग यहाँ पे 1200 रुपीज़ है, दो बार समन कर ही लेंगे, और उसके बाद अगर मैं जो भी रुपीज़ रहेंगे उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं यहाँ हम लोग के बैनर वन में। बैनर टू में तो करके अब मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि सिलेक्टर्स हम बहुत ज़्यादा दूर हैं, लक बहुत ज़्यादा ख़राब चला है, ठीक है। तो अकुमा लेवल 90 पे ही रह जाएगा और एम बाइसन 2 स्टार पर है, उसको देखते हैं एसएस मेमोरी 3 स्टार पर कर देंगे। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर हम और समन नहीं करने वाले और यहाँ पे भी नहीं करने वाले, इसके लिए मेरे पास जो सिलेक्टर है हम उसी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर से सेट को कंप्लीट करें या फिर एम्बेसडर कार्ड को उठा लेंगे, देखते हैं दोनों से कोई भी एक काम होता है कि नहीं। और हम तो यही होप करते हैं कि हमको सिलेक्टर तक बिना पूरा गए यहाँ पर से या तो ल्यूक का 3PG मिल जाए या फिर ये मिल जाए, अगर दोनों से कोई भी एक टू मिल जाता है तो हमको पूरा सिलेक्टर से जाने जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो चलो बहुत ज़्यादा नहीं, दो बार हम समन करते हैं, फिर हम लोग जो हम लोग का असली मुद्दा उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो चलो गाइस, विश मी लक। ओके, येलो है ना, हाँ पता था हमको कुछ नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है, अब तो आदत ही हो गया है, ये तो बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं रह गया अब, मतलब जब मिलता है तो फिर रहता है कि अरे अरे वाह मिल गया कुछ, मगर अब तो नहीं भी मिलता है तो फिर क्या ही है, अब तो आदत ही है इसका। ओ माई गॉड, इस बार तो कुछ भी नहीं। ये क्या गेम लैग, वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अव्वल परफॉर्मेंस यहाँ पर हम लोग देखने के लिए मिला है। और इससे अब मेरे को सिर्फ 2400 रुपीस चाहिए जिसका इस्तेमाल करके हम ये वाला सेलेक्टर पहुँच जाएंगे, और इसके साथ मेरा ये वाला कोलैब में कम से कम कार्ड बैनर का काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर हम इस बैनर समन करेंगे वो भी इसीलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको बता दें हम मेरे पास रियो का एक मेमोरी है, ठीक है, तो जस्ट इनकेस अगर हमको यहाँ पर रियो का मेमोरी मिल जाता है तो रियो मेरा 4 स्टार कन्फर्म हो जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर कितने सिलेक्टर हैं, वॉल्यूम वन का मेरे पास 2 सिलेक्टर है, तो जस्ट इनकेस अगर हम शायद रियो को A5 तक लेकर जा पाएंगे शायद, ठीक है शायद। और एक और चीज़ ये कि अगर यहाँ पर समन करने से मेरे को चुनली का मेमोरी मिलता है तो हमको नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हमको 2 चुनली का मेमोरी मिल जाएगा तो हम उसका इस्तेमाल कर क्राफ्ट करके यहाँ पर से ल्यूक का मेमोरी 2 क्राफ्ट कर लेंगे। तो ऑल इन ऑल अब हम यही करने वाले हैं, वॉल्यूम 2 के लिए अब हम और समन नहीं करने वाले हैं, जो होगा वॉल्यूम 1 में ही होगा, और अगर कुछ मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो भी नहीं, मिलना तो चाहिए अब तो भाई, ज़रूरत है अब अपने को, ठीक है। तो अपने लोग बहुत ज़्यादा बात करिए कि हम अभी आगे क्या करने वाले हैं, और हम होप करते कुछ आप लोगों को जाने के लिए मिला होगा, कुछ नया आप लोग भी स्ट्रेटेजाइज करे होंगे जो चीज़ हम करने वाले उसको देखकर। और अब बात कर लें यहाँ पर हम लोग रूबीज़ कैसे आप लोग और भी आप पा सकते हो अभी रोज़ क्योंकि अभी हम लोग का आधा कोलैब पार हो ही चुका है, तो आपको कुछ भी नहीं, रोज़ का एक बहुत सिंपल आप लोग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, यहाँ पर आना है आप लोगों को अपने चैलेंज खेलना है, ठीक है। ये तो ऑब्वियस आप लोग खेलोगे क्योंकि आपको इसको 20 टाइम्स खेलना भी पड़ता होगा, अगर नहीं खेलते तो खेलो तभी चुनली आप लोगों की A3 तक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर तो आपको 100 रुपीज़ तो मिलते ही हर रोज़, तो इनको लो। और एक क्वेश्चन ये हम देखें कि लोगों को आता सवाल कि भाई हम इतना जल्दी यहाँ पे कैसे फार्मिंग कर रहे हैं, तो जो वेटरन्स हैं या फिर जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा, बस जो लोग नए नए गेम को ज्वाइन किए हुए जिनको नए नए चैनल के बारे में मालूम पड़ा है, तो आप लोगों को बता दें आप लोग जब भी यहाँ पर अपने
इस रजनी खेलने के लिए आओगे, अपने स्ट्रीट फाइटर कैरेक्टर्स को ही लेकर आना, जैसे आप देख रहे हो कि हम इनको लेकर आए हुए हैं और इन सभी को। और अब तो बहुत सिंपल भी हो गया, पहले ऐसा नहीं था। कार्ड में जाना आप लोग, ठीक, और कार्ड में आप लोग अगर सेट पे टैप करते हो तो आप लोग यहाँ आर लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये आर का मतलब हम लोग का रिवॉर्ड का बात हो रहा है, ठीक। तो इन कार्ड्स को आप लोग को खाली इक्विप कर लेना है, और यहाँ ऑप्शन कार्ड भी अगर आप लोग को जाओगे तो आप लोग वहाँ पे भी ऐसे आर लिखा हुआ आएगा। इन सभी कार्ड्स को हर एक कैरेक्टर को दे दो, और इससे आप लोग देखो कि आप लोगों को और भी बोनस मिलते रहे। जैसे कि अभी फिलहाल मेरा परसेंटेज 492 का है, जिसमें हम कुछ कार्ड को भी अभी तक इक्विप नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 100 रुपीज आप लोग यहाँ से पाओगे। उसके आपके पास आपका डेली मिशन है ही, जिसको आप लोग ऑब्वियसली रोज़ खेलती होगे, और अगर नहीं खेलो तो खेलो, ठीक है। तो 150 रुपीज आप लोग वहाँ से पाओगे, और उसके बाद आप लोग एक काम कर सकते हो। ये हम ऐसे बोलते हैं, उनको अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर फिर भी अपने को कैसे ना कैसे काम चलाना ही है। तो आप लोग यहाँ पर से ये ऐड देखकर यहाँ पर से रुबीज और कलेक्ट कर सकते हो, और 200 एपीज आप लोग यहाँ पर से परचेज कर ही सकते हो, जो हम पहले बताए हुए हैं। और जस्ट इनके अगर आपको नहीं पता तो आपको अब मालूम पड़ गया है। और इसके बाद हम लोग पास है सोल क्वेस्ट, और सोल क्वेस्ट में भी हम बोले हैं कि ये थोड़ा सा मतलब क्या बोले आप लोग, थोड़ा टाइम आप लोग लगेगा, मगर जितना हम शायद आप लोग 69 रुपीज को कलेक्ट कर सकते हो हर रोज, ठीक है। अब वो कैसे हम ये भी बता देते हैं आपको कि आप लोग जैसे देख रहे हो कि ये सभी कैरेक्टर्स मेरे पूरी तरह मैक्स आउट हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर कोई लॉक वाला आइकन नहीं है, तो इसका मतलब हम अब कुछ नहीं कर सकते इनका। मैं इन सभी का ऊपर लॉक वाला आइकन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या कि हम इसको अभी तक खेले ही नहीं है। अब जब इसको खेलेंगे तो फर्स्ट टाइम क्लियर करने पर हमको कुछ रुबीज मिलेंगे, और वो अभी आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सोल टोकन्स नहीं है, ठीक। तो इसलिए हम तो यही बोलेंगे, देखो फेस्ट कैरेक्टर्स आप या फिर गोल्ड कैरेक्टर्स आप लोग सब तो कर ही चुके होंगे, मगर इन ब्रोंज कैरेक्टर्स का भी खाली वहाँ पर रुबीज कलेक्ट कर लो। और उसके बाद हम लोग पास यहाँ पर चैलेंज इंजन है, और यहाँ पर हम आप लोग यही बोलेंगे कि अगर आप लोग अभी तक अपने इमॉर्टल लेजेंड्स को क्लियर नहीं किए हुए हो तो इनको क्लियर कर लो, क्योंकि हम पूरी तरह क्लियर किए हुए हैं। और अगर आप लोग नहीं भी किए हो तो हम बहुत पहले अपना पूरा प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं, यहाँ पे हम कोशिश किए कि फ्री टू प्ले अकाउंट वाला मतलब यूनाइटेड सेवन के कैरेक्टर इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ पर सारे रुपीज कलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप लोग अपने मेका स्पाइडर में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर तक रीच नहीं किए थे तो यहाँ पर भी आप तो काफ़ी बेहतर हो चुका, आप लोगों का अकाउंट काफ़ी पावरफुल हो चुका होगा, तो आप लोग यहाँ पर से बहुत सारे रुपीज़ को कलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, ये सभी वन टाइम कलेक्टिंग रुपीज़ हैं, इन सभी को आप लोग बार बार कलेक्ट नहीं कर सकते, हम पहले बता देते आप सभी को। और उसके टाइम अटैक, भाई टाइम अटैक तो रोज़ ही खेलना है, खेलो इसको, ठीक है। यहाँ आप लोगों को फ्री रुबीज मिलो, बहुत ज़्यादा इजी हो गया अब टाइम अटैक, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हो गए कि आप लोग बड़े आराम से यहाँ पर टाइम अटैक से रुबीज कलेक्ट कर सकते हो। और फिर हम लोग के यहाँ चैप्टर ऑफ फाइट, जहाँ पर आप लोगों को हर रोज 100 रुपीज कलेक्ट कर सकते हो, अंटिल अनलेस आप लोग वॉल को रीच ना कर लो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे 5 टोकन्स है, हम यहाँ लेवल 45 तक जाएंगे, इससे होगा क्या, कुछ भी नहीं। हमको यहाँ पर आना है इवेंट में, यहाँ पे हमको 100 रुपीज मिल जाएंगे, और इसी तरह देखो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते हुए हर रोज़ आप लोगों को 100 रुपीज मिलते हैं। तो यही आप लोगों को कलेक्ट कर लेना चाहिए। और इसके बाद एक तो छोटा जगह है जो हमको लगता है काफ़ी लोग उसको इग्नोर कर देते होंगे, मगर उसके लिए आप लोग कुछ भी नहीं, फाइटर में जाना चाहिए, और यहाँ पर आप लोगों का ग्रेड से नीचे आकर यहाँ एफिनिटी में जाओ, और यहाँ पर ये वाला आइकन टाइप करो। इससे आप लोग मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं आपके पास, इनका एफिनिटी बहुत कम है, और एफिनिटी से होता ही क्या है, बहुत कुछ होता है। जैसे कि यहाँ चुनली का एफिनिटी 3 पे है, तो हम होप करते हैं कुछ टोकन्स होंगे इसके लिए। हाँ, आइसक्रीम है इसका, हम इसको अगर दे देते हैं तो हमको यहाँ पर से 10 रुपीज़ फिलहाल मिले हैं। मगर अगर आप लोग पूरी तरह लेवल 0 से, ठीक है, मतलब लेवल 1 से 10 तक 9 तक जाते तो आपको 50 रुपीज़ मिल जाएंगे, और 10 तक भी चले ही जाने ताकि आप लोग एक्स्ट्रा अटैक भी मिल जाए। तो 50 रुपीज़ आप लोग हर एक कैरेक्टर से कलेक्ट कर सकते हो, जिनका आप लोग अभी तक एफिनिटी मैक्स आउट नहीं किए हुए हो। और फिर हम लोग पास चीज़ यहाँ पर ये है कि आप लोग समन करके बहुत सारे सोल्स भी पाए होंगे, तो इन सभी को आप लोग सैलवेज करते हुए क्या, अब तो जिनको पता होगा उनको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता टेंशन मत लो, यहाँ पर हम लोग सोल सैलवेज किए फेस्ट कैरेक्टर्स का, और उससे हम लोग मिला सोल डस्ट, और उसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर से इन टोकन्स को इस्तेमाल नहीं परचेज कर सकते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए। अब ये क्यों, क्योंकि वो हम लोग पास ऑलमोस्ट फ्री रुबीज़ की तरह ही है। और फिर हम लोग इसको थोड़ा वापस जैसा था वैसे कर देते हैं, और अगर आप लोग पास अभी कुछ रुबीज़ कम पड़ रहे हैं, मगर आपके पास दिखाई दे रहा है कि मतलब हम किसी कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरह अवेकन कर सकते हैं जो हम लोग के स्ट्रीट फाइटर के कैरेक्टर्स आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ फ़ायदा होने वाला है कि अगर आपका पास अकुमा या फिर रियू या फिर चुनली तो हमको नहीं लगता आप लोग कर पाओगे, मगर अकुमा या फिर रियू इन दोनों में से अगर आप लोग A3 तक चले ही गए हो, ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है आप लोग A4 तक लेकर जा सकते हो तो एक बार फिर लेकर चले ही जाना, जिससे आप लोगों को यहाँ पर से 1000 रुपीज़ दोनों के लिए मिलने वाले हैं। और इसी 1000 रुपीज़ के कारण से हम यहाँ रियू को भी अवेकन करने वाले हैं, क्योंकि रियू को हमको सिर्फ एक और मेमोरी की जरूरत पड़ने वाली है, बस एक मेमोरी पहले से है, तो रियू तो A4 गारंटी है, A5
गारंटीड नहीं है, मगर ए फोर जरूरी पूरा कंफर्म है, ठीक है। और उसके बाद बात रहा इन दोनों का, यहाँ पर से आप लोगों को हज़ार हज़ार रुपीज़ मिलेंगे। मगर चीज़ ये है ना, इनको कलेक्ट करने के लिए थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा ही रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह अवेकन लेवल 5 मतलब 5 स्टार अवेकन करने से ही आप लोगों को मिलेगा। तो देख लो हम आप लोगों को जो भी जो जगह थे जहाँ पे आप लोग ओकेजनली नहीं देख पाते होंगे वो सभी जगह आप लोगों को बता दिए हैं। और हाँ, एक चीज़ ये कि गिल्ड में आप लोग गिल्ड रेड तो रोज़ खेलना ही होगा, खेल ही रहे होंगे हम तो होप करते हैं, ठीक है। जस्ट इन केस अगर नहीं खेल रहे हो इसको खेलो, क्योंकि यहाँ पर से आप लोगों को आखिरी में एस एस और बी एस मेमोरी फ्री मिलने का मौका रहता है हमेशा, ठीक है। यहाँ आप लोग जब भी इन्फर्नो मोड खेलोगे रिवॉर्ड इन्फो में जाओगे, और यहाँ पर ये जो आखिरी वाला बॉक्स है ना, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पर आपको मिल रहा है एक बी एस मेमोरी और एक एस एस मेमोरी। ये गारंटीड नहीं रहता हर बार आपको मिलेगा, मगर देयर इज अ चांस टू गेट दोज मेमोरीज, और हम तो बोलेंगे चांस मिल रहा है चांस उठा लो, ठीक है। तो गाइस यही सब चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के ध्यान से निकल जाता होगा, मगर हम कोशिश की जितना हो सके उतना सभी चीज़ों को कवर अप कर देने के लिए, ताकि इन बच्चे 13 डेज में भी आप लोग इस कोलैब का जितना हो सके उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स और आपके कलेक्ट करने लायक जो भी चीज़ें हैं उनसे कलेक्ट कर लो, ताकि आप लोग फ्यूचर में फिर ऐसा ना हो कि भाई ये तो मेरे पास मौका था हम नहीं लिए, हम भूल गए, ये तो आप लोग को ना बोलना पड़े, ठीक है। तो गाइस होप करते वीडियो को एंजॉय करो, लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, ठीक। और हाँ, एनिमे वाले चैनल पर हम कुछ कुछ शॉर्ट्स अपलोड करना चालू कर दिए हैं, तो अगर आप लोग अभी तक तो उस चैनल को चेकआउट नहीं किए हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोग करो, मगर करोगे तो क्या पता आप लोग वहाँ पर मज़ा आने लगे, ठीक है। तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।